कृष्णनगर में पकड़ा गया शातिर लुटेरा, बहन से छेड़छाड़ या हादसे के बहाने घेरता था, सुनसान जगह पर जाकर लूट लेता था। स्कूलों के आसपास खुलेआम बिक रहा है नशा, शकरपुर में डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर भी खुलेआम बिक्री, जानकारी लेने पर नशा बेचने वालों का ही लिया पक्ष। आनंद विहार फ्लाईओवर नहीं बन पाएगा दिसंबर तक, प्रदूषण के कारण अब डेडलाइन कर दी गई है मार्च, जनता का कहना है कि कई घंटों तक लगा रहता है जाम। विधानसभा सत्र की अवधि रखी गई सिर्फ 2 दिन की, जनता के सभी कामों को रखा जाएगा स्पीकर के सामने, कामों के लिए फंड और जरूरतों की भी होगी चर्चा। चुनावों के आए एग्जिट पोल को लेकर पूर्वी दिल्ली के नेताओं से बातचीत, कांग्रेस नेता का कहना यह है कांग्रेस की सुनामी, वहीं बीजेपी नेताओं का कहना बीजेपी आएगी प्रचंड जीत से। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में, कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। अगर आप स्कूटी पर अकेले जा रहे हैं और आपने गोल्ड चेन और सोने का कड़ा और अंगूठी पहन रखी है तो फिर सावधान हो जाएं, हो सकता है कि अचानक कोई शख्स आपके सामने आकर आपको रोक ले और आपसे कहे कि आपने उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की है या उसके साथ एक्सीडेंट किया है। उसके साथ जाने के लिए कभी तैयार नहीं हो, क्योंकि सुनसान जगह पर ले जाकर आपसे हथियार की नोक पर लूटपाट कर सकता है। कृष्णानगर के एक शख्स के साथ ऐसा ही हुआ, उसने बताया कि 13 नवंबर को जैसे ही वह कूड़ा घर के पास से गुजर रहा था, एक शख्स ने उसे अचानक रोक लिया, उस पर आरोप लगाया कि वह सिस्टर के साथ एक्सीडेंट करके आया है। वह जबरन उसे लोकेशन पर ले जाने की जिद करने लगा, स्कूटी सवार उसे ईस्ट आजाद नगर की दुर्गा मंदिर वाली गली में ले गया, वहां पर जान से मारने की धमकी देकर उससे सोने का कड़ा और स्कूटी छीन ली। मामले की शिकायत कृष्णनगर थाने को दी गई, इस मामले को सुलझाने का जिम्मा स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विकास कुमार की देखरेख में टीम को मिला। सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से आखिर इस व्यक्ति को यूपी से पकड़ लिया गया। इस दौरान पुलिस को करीब 200 लोकेशन पर सीसीटीवी चेक करने पड़े, पुलिस ने बदमाशों की लिस्ट को भी निकाला और आखिर वह पकड़ा गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने लूटी गई गोल्ड ज्वेलरी एक फाइनेंस कंपनी में जमा करा कर लोन ले लिया है। वह वेस्टर्न यूपी और दिल्ली में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। सितंबर में उसने एक व्यक्ति को बहन से छेड़छाड़ का बहाना बनाकर लूटा था। उसकी गिरफ्तारी से कृष्णानगर और गीता कॉलोनी इलाके में 3 मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी से 87,000 रुपए नगद, स्कूटी के अलावा कपड़े, 5 गोल्ड रिंग, सोने की 2 चूड़ियां, गोल्ड चेन और ब्रेसलेट वगैरह भी बरामद किए हैं। उसने ये सभी गहने अलग अलग फाइनेंस कंपनियों में गिरवी रखे हुए थे। ये जो केस है ये बहुत ही यूनिक मॉडस ऑपरेंडी का इंटरेस्टिंग केस है। बेसिकली ये एक व्यक्ति है इम्तियाज, जो बागपत का रहने वाला है, वहाँ कोतवाली थाना है बागपत में, वहाँ से हमने इसको अरेस्ट किया है और काफ़ी मशक के बाद हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम, इंस्पेक्टर विकास ने और एसीपी गुरुदेव के नेतृत्व में इस टीम ने और सब इंस्पेक्टर प्रशांत, इन्होंने अरेस्ट किया वहाँ पे। तो मैं बताना चाहूँगा, इसने हमारे यहाँ 3 वारदातें करी थी और तीनों वारदातें के बारे में भी हल्का सा बताना है कि पहली जो रिसेंट वारदात हुई थी हमारी 13 नवंबर को हुई थी, तो उसमें इसने ये बोला कि आपने मेरी सिस्टर के साथ एक्सीडेंट कर दिया है और मैं आप विक्टिम को उसने ऐसे बोला, फिर उसको बोला कि आप मेरे साथ स्पॉट पे चलो उसको और देखो आगे क्या मैटर है। स्पॉट पे ले जाने के बहाने उसे लेके जाता है और उसे वेपन दिखा के उसे और उसके साथ लूटपाट करता है। एक जो दूसरी घटना है उसमें ये बोलता है कि मेरी सिस्टर का ATM छीना है और तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने ATM छीना, और उसके साथ मार पिटाई करना चालू कर देता है, तो विक्टिम पे पूरी तरह हावी होके और फिर ऐसी लूटपाट की वारदात को अंजाम देता है। और ये कई दिनों से हमारी टीम इस पर लगी हुई थी और बहुत सारे लगभग 36-40 किलोमीटर तक फुटेज खंगालने के बाद टीम ने उसको पकड़ा है। इस पर 2 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, इसकी उम्र 29 साल है इसकी उम्र, और हमने इससे काफ़ी जो इसने सारा जो माइक्रो फाइनेंस में जो मन्नापुरम की जो ब्रांच है उसमें इसने ये गोल्ड डिपॉजिट करा दिया था, तो वहाँ से हमने 5 गोल्ड रिंग,
दो कड़े चूड़ी और 87,000 रुपीज़, और जो स्कूटी जिस पे ये इसको यूज़ करता था वारदात के लिए, वो सारी रिकवर करी। एक तरफ जहां दिल्ली में स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वाली 5 सिगरेट की दुकानों के 70 चालान किए गए, वहीं पूर्वी दिल्ली में अभी भी यह अवैध धंधा जारी है। स्कूलों के मेन गेट या 200 मीटर के दायरे में आज भी खुलेआम दुकानों पर गुटखा और तंबाकू का बाजार सजा हुआ है। राजधानी के स्कूल के 200 मीटर में तंबाकू पदार्थ बेचने पर रोक है। यह प्रतिबंध जगह जगह पर बेअसर हो रहा है। यहाँ तक कि कई जगहों पर छोटे छोटे स्कूली बच्चे सिगरेट गुटखा पान खाते हुए दिखाई दे जाएंगे। इसी तरह का मामला पूर्वी दिल्ली के जोन 2 के उप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कार्यालय शकरपुर का है। स्कूल के साथ जोन 2 का डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ऑफिस है और वहीं पास में चाय की दुकान पर छुपा कर नशीला पदार्थ बेचा जा रहा है। जब हमारे संवाददाता ने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में जाकर वहां इसकी जानकारी लेनी चाहिए तो वहां के स्टाफ ने नशा बेचने वालों का पक्ष लेते हुए कहा कि गरीब आदमी है, खबर को पक्ष में बना दीजिए। दुकान 200 मीटर नहीं, कार्यालय के 100 मीटर के अंदर और स्कूल के 200 मीटर के अंदर आती है। निर्माण प्रतिबंध ने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार के फ्लाईओवर की समय सीमा मार्च तक बढ़ा दी है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया कि कुछ समय के लिए काम रुका हुआ था, अब परियोजना की नई समय सीमा अगले साल मार्च की होगी। हालांकि ये संभावना नहीं है कि परियोजना इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने फ्लाईओवर का जायजा लिया तो जनता ने बताया कि कई घंटे तक जाम लगा रहता है। आपातकालीन सुविधा एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आए दिन जाम में फंसी रहती हैं। कमर्शियल गाड़ी वालों का कहना है कि जाम में फंसने के कारण जहां हम एक से अधिक चक्कर लगा सकते हैं वहां हम एक चक्कर ही लगा पाते हैं। बहुत परेशानी, जाम रहता है 24 घंटे, जाम ही जाम रहता है, जब भी आ रहे जब भी जाम है। चार से छह ही मानो, ही चार को छह ही मान के चलो, दो चार तो कह रहे तो छह ही महीने लगेंगे। ये लोडिंग में सवारी है यार, कुछ स्लिप हो जाए गाड़ी, दिक्कत ही है हम लोगों को। तो सर कहाँ काम हो गया, आप दिखा दो मुझे कहाँ हो गया काम पूरा। अभी तो काम मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्ट भी नहीं हुआ। हम गरीब इंसान हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं हम। एक बात बताइए, यहाँ पे हम इतनी CNG फूकेंगे, हम अपना घर कैसे चलाएंगे? भैया बहुत बुरा हाल है, दो दो घंटे हम लोग खड़े रहते हैं जाम में। नो एंट्री गाड़ी की 5 बजे लग जाती है, कुल हमारे को 5-6 घंटे काम करने के लिए मिलते हैं। कहाँ से किस्त देंगे गाड़ी की? 16,000 रुपये किस्त है गाड़ी की, कहाँ से पूरी करेंगे हम? 15,000 रुपये मालिक से तनख्वाह लेते हैं, कहाँ से क्या होगा? एक चक्कर नहीं लग रहा है गाड़ी पे। आज मैं मौजूद हूँ जो अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार जोड़ने के लिए फ्लाईओवर केजरीवाल सरकार की तरफ से बन रहा है। आपको बताते चलें कि ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट केजरीवाल सरकार का है 2019 का है, लेकिन इसकी नींव 2022 अक्टूबर में रखी गई थी। ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन के चक्कर में ये लेट हुआ था, लेकिन आपको पूरी लागत भी बता दें, इसकी 272 करोड़ की लागत से ये निर्माण हो रहा है। अभी प्रदूषण के चलते जो काम था वो रोका गया था, लेकिन काम को प्रदूषण के चक्कर में 1 महीने करीब रोका गया था, लेकिन सरकार ने अब इसको बनाने के लिए दिसंबर के वादे को मार्च तक बदल दिया है। कैमरामैन महेंद्र बोरा के साथ मैं विवेक पठानिया, CCN लाइव। दिल्ली में विधानसभा सत्र 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जिसकी अवधि सिर्फ 2 दिन की रखी गई है, लेकिन अगर समय सीमा बढ़ाने की जरूरत हुई तो बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में हमने विधायक ओपी शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि सत्र की शुरुआत 15 तारीख से होनी है। ऐसे में हम जनता के हित में होने वाले कामों को स्पीकर के सामने रखने वाले हैं। साथ ही जल बोर्ड विभाग में जिस तरह के घोटाले दिल्ली सरकार द्वारा किए गए हैं उन पर चर्चा भी करेंगे। साथ ही कृष्णानगर के विधायक SK बग्गा ने बताया कि इलाके में जो समस्या है उन्हें इस सत्र में पेश करेंगे और उन कामों के लिए जो भी फंड और जरूरतें होंगी उन पर भी चर्चा करेंगे। आगामी 15 और 18 दिसंबर 2 दिन दिल्ली विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है, जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को, विशेष रूप से बिजली, सड़क, पानी में जो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, तो इन सभी भ्रष्टाचारों को उजागर करेगी और दिल्ली की जनता को जो उनकी लेजिटिमेट जरूरत है, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इवन पर्यावरण, जिसकी वजह से आज कोई भी घर से बाहर निकलने में दिक्कत महसूस कर रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे और सरकार को घेरेंगे। देखिए, अभी कल लेटर मिला है, 15 दिन से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म होने का इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कब ख़त्म हो। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, मेंबर्स की कंप्लेंट या मेंबर्स की अपनी समस्याएं होती हैं इलाके की,
उसको देखते हुए अध्यक्ष साहब एक्सटेंड भी करते रहते हैं, तो अभी 15 से स्टार्ट होगा। ये लेटर मेरे को कल मिल गया है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए, इसमें इलाके के सेक्शन 280 के अंतर्गत हर विधायक बोल सकता है अपने इलाके के बारे में, जो कमी है, जो लोगों की शिकायतें आती हैं, तो कुछ भी विधानसभा में आप रख सकते हैं, उसके ऊपर अमल होता है। अध्यक्ष साहब अफसरों को बुलाकर काम करवाते हैं, जो भी इलाके के काम हमारे हैं। नहीं, सड़कों का तो अभी जैसे फंड रिलीज होगा, सड़कें काफ़ी बन चुकी हैं मेरी विधानसभा में और बन रही हैं, उसको कोई ऐसा इशू नहीं कि विधानसभा में उठाऊँ। वो हमारे MLA फंड से, जो और भी फंड है, मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पैसा मिल रहा है मेरे को, तो उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है किसी की। देश के 5 राज्यों में कल चुनाव पूरे हो गए और एग्जिट पोल भी आ गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में चुनाव खत्म होने के बाद जो ओपनिंग पोल आया है, वहां तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी, वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में तस्वीरें अलग अलग ओपनिंग पोल के हिसाब से साफ नहीं हो पाई। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के नेताओं से बात की तो कांग्रेस नेता का कहना है कि यह कांग्रेस की सुनामी है, 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, जनता ने बीजेपी को नकारा है। तो वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी जगह पर बीजेपी प्रचंड जीत के साथ आएगी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। 3 तारीख को जैसे ही मतगणना शुरू होगी, सभी एग्जिट पोल, सभी विपक्षी चेहरे धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजोरिटी से हरेक राज्य में शासन पर आएगी। अभी 5 प्रदेश, आने वाले समय में पूरा देश। अभी जितने भी भ्रामक एग्जिट परिणाम आए हैं, मैं ये सुनिश्चित कर दूं सारे श्रोताओं को कि राजस्थान में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में रिपीट करने जा रहे हैं, बाकी राज्यों में भी बहुत सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि आने वाला समय मोदी युग का है। मोदी जी जहां चेहरा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार ही नहीं सकती। देखिए, जिस तरह से ये 5 प्रदेशों के चुनाव में जनता ने भरपूर कांग्रेस को अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इन 5 प्रदेशों में कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनने जा रही है, क्योंकि ये चुनाव मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है। बीजेपी का जो धर्म का जो कार्ड है, जनता ने उसको पसंद नहीं किया है कि बहुत हो गया अब ये आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस ने इस देश में विकास किया है, जिस तरह से हमारे राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने योजनाएं लेकर के आए हैं और जनता के जनहित में जो काम किए हैं, उनको देखते हुए अन्य प्रदेशों में भी, मध्य प्रदेश में भी पिछली बार हम जीते थे, लेकिन बीजेपी ने जैसे चोरी करके दोबारा से सरकार बनाई थी, उसको भी जनता ने सिरे से नकार दिया है। साथ साथ तेलंगाना में जिस तरह से KCR का कुशासन लोगों ने झेला है जब से तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ है, वहां भी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए और यहां पर काम हो। पूर्वी दिल्ली की एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड की टीम ने नशे में इस्तेमाल इंजेक्शन और गोलियां बेचने वाले ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्लाई बेचने की आड़ में नशीला इंजेक्शन और गोलियां बेच रहा था। गिरफ्तार आरोपी के पास से 190 इंजेक्शन और 320 गोलियां बरामद की गई हैं। आरोपी की पहचान भूषण के तौर पर हुई है। DCP अमृता गुगलोत ने बताया कि एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड की टीम को सक्रिय ड्रग पेडलर पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। टीम को सूचना मिली कि कुछ लोग इंजेक्शन गोलियां बेच रहे हैं, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अनुसूची H के तहत नियंत्रित दवाएं हैं। इन इंजेक्शनों और गोलियों का इस्तेमाल नशे के आदि लोग खुद नशा करने के लिए नशों में इंजेक्शन के रूप में कर रहे हैं। इन लोगों की पहचान करने के लिए इंस्पेक्टर गौरव चौधरी, ICNT नार्कोटिक स्क्वाड ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के SI प्रवीण कुमार, SI ओम सिंह, SI देवेंद्र, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र और देवेंद्र की देखरेख में टीम का गठन किया गया। आपराधिक मानव खुफिया को सक्रिय करने के लिए टीम द्वारा गहन प्रयास किए गए। टीम ने कुछ ड्रग एडिक्ट्स के संपर्क किए और जो इस तरह के इंजेक्शन और ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। इस प्रयास के बाद पता चला कि भारत भूषण नाम का व्यक्ति कल्याणपुरी इलाके में नशे में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन और गोली बेच रहा है। इस जानकारी के बाद ट्रैप लगाकर भारत भूषण को कल्याणपुरी इलाके के खिचड़ीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से एविल के 190 इंजेक्शन ब्यूरोप्रेनोर्फिन की 320 गोलियां बरामद की गई। आरोपी इससे पहले श्री बालाजी मेडिकल स्टोर के नाम से मेडिकल स्टोर चला रहा था। ड्रग इंस्पेक्टर ने 5 महीने पहले उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था, क्योंकि वह डॉक्टर के पर्चे के बिना एविल इंजेक्शन बेच रहा था। उसके बाद उसने कल्याणपुरी दिल्ली के इलाके में प्लाई स्टोर शुरू किया और उसकी आड़ में ड्रग बेच रहा था। सड़क किनारे वाहन खड़ा करना लोगों को महंगा पड़ सकता है, इस पर अब निगम प्रतिदिन जुर्माना लगाने जा रही है। 4 पहिया वाहन पर 2,000 तो वहीं
दो पहिया वाहन पर 300 रुपए पर डे के हिसाब से जुर्माना वसूलेंगे। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि ये गलत है क्योंकि जुर्माने की रकम काफी ज्यादा है। साथ ही पार्किंग की स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि सभी वहां गाड़ियां खड़ी कर सके और कई जगहों पर मार्केट में पार्किंग की सुविधा है भी नहीं। सड़क पर गाड़ी खड़ी करना मजबूरी है और ऐसे में अगर निगम जुर्माना लगाती है तो ये काफी गलत होगा। नहीं, ये फैसला तो लोगों को लूटने का है। इसका कोई अरेंजमेंट करा जाए, पार्किंग बनाई जाए, कोई सहूलियत लोगों को दी जाए। अब बंदा कहीं जाएगा, दुकान पे गाड़ी खड़ी करेगा, स्कूटर खड़ा करेगा तो सही, अब उठा ले तो इसका मतलब तो दुकानदारी बंद हो जाएगी या फिर पैदल जाएगा। कोई बंदा जैसे कोई किसी दुकान पर गया या किसी मॉल में, गाड़ी तो खड़ी करेगा ही, या तो उसके आगे पार्किंग बनाओ, फिर गाड़ी उसमें जो चार्जेस होंगे 10-20 रुपये वो लो। ये क्या तरीका है कि गाड़ी उठा के ले जाओ, फिर थाने में घूमता रहे, इधर से उधर घूमता रहे, अगले को पता चले, उसको जल्दी हो जाने की, उस पता अगला बाहर नहीं करेगा गाड़ी ले उठा के ले गया। निगम को एक पॉलिसी बनानी चाहिए जो हर सिस्टम होता है। ये नहीं कि आए और चलान काट के चले गए या चलान कटा दिया, हर आदमी अवॉर्ड नहीं करता। आप इसको प्रैक्टिकल पार्किंग बनी बढ़िया वहाँ पार्किंग में समझाएं, अवेयरनेस करें, पक्की पार्किंग यहाँ होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए। ये नहीं कि गरीब आदमी उसका 300 का चलान काट दिया, किसी का 2000 का चलान काट दिया, ये गलत है। हमारी भी सरकार रही 15 साल, हमारी भी MCD हमने भी करा, पर आज तक अभी ऐसा करप्ट काम नहीं करा जितना। नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है हमारे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम नहीं है, सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ना कि पार्किंग को है। पार्किंग बहुत है लेकिन पार्किंग को एक सड़क करने की ज़रूरत है। छोटे मोटे काम करवाने के लिए लोग निकलते हैं गाड़ियों से करवा के काम, फिर उठा के चल देते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है ना रोडों पे खड़े होने से ना पार्किंगों से, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें फिलहाल, ठीक है। अगर जुर्माना लगाना चाहते हैं तो वो तो केजरीवाल सरकार है, वो तो तुक्के भिड़ाते रहते हैं किसी ना किसी उस पर, उन्हें तो चाहिए कुछ ना कुछ पंगा। पूर्वी दिल्ली के यमुना पुष्ता रोड पर बैंक एनक्लेव से लेकर ललिता पार्क तक करीब आधा किलोमीटर एरिया में हर रोज भारी ट्रैफिक जाम का लोग सामना कर रहे हैं। पुष्ता रोड पर लंबे समय से सहारनपुर हाईवे बनाने का काम चल रहा है लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस से लेकर हाईवे निर्माता कंपनी तक कोई नहीं संभाल रहा है। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता सोनिया शर्मा ने जनता से बात की तो लोगों का कहना था कि अंडरपास तो बनाया गया है लेकिन यहाँ ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है और उसे कोई मैनेज करने के लिए नहीं होता है। इसके लिए यहाँ अगर कोई टेम्पररी रेड लाइट लग जाए तो ट्रैफिक जाम तो कम होगा ही, साथ ही जो लोग हर तरफ गाड़ियां निकालने की कोशिश करते हैं और फिर जाम लगाते हैं उससे राहत मिल सकेगी। समस्या ये देखने को मिल रही है, एक तो यहाँ पर रेड लाइट होनी चाहिए, रेड लाइट नहीं है और इधर से वाहन जो है बहुत तेजी से आते हैं, स्पीड ब्रेकर होना चाहिए इसमें यहाँ पर भी, और दूसरे जो है बहुत ज्यादा जाम लगता है, आगे से रोड जो है पतली हो रही है, ये रोड चौड़ी होनी चाहिए। रोड धूल तो है ही, धूल तो बहुत ज्यादा हो रही है, पोल्यूशन चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, और लंबा टाइम लगेगा तो यहाँ के लोगों को और ज्यादा समस्या झेलनी पड़ेगी और काफी दिनों तक समस्या। यहाँ पुलिस वाले कम से कम एक दो को ड्यूटी पे रखना चाहिए यहाँ पे, अगर होगा तो ये ट्रैफिक का मसला सुलझ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बच्चे भी आज स्कूल से आते हैं, यहाँ दौड़ सड़क पार करने का बहुत वो क्या बोलता है लाइफ रिस्की है। अभी कोई ट्रैफिक वाला नहीं है यहाँ पे, ना उधर है ना इधर है, ये मतलब एक तो स्कूल का टाइम सुबह और शाम को लोग भी यहाँ से सामान लेकर अपने अपने जगह चले जाते हैं तो ज़्यादा जाम लग जाता है। पर एक रेड लाइट लगनी चाहिए, जैसे कुछ बाय चांस कोई बच्चा यहाँ से जाता है एक्सीडेंट हो सकता है, लग सकती है, रहता है मतलब जाम जब हो जाता है उधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और फिर सीधा जा रहा है तो थोड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सुबह खाली रहेगा, शाम को थोड़ा सा रहेगा और ऐसे दोपहर के टाइम, मतलब वर्किंग आवर्स में और जब आ रहे होते हैं काम से जब। थोड़ी बहुत नॉर्मल तो सभी जगह आजकल ट्रैफिक है, इसका कोई वो नहीं है। अब काम होगा कुछ 2024 में तो होना ही है, कम्प्लीट ओपनिंग तो करनी है मोदी जी को। अब थोड़ा बहुत जाम तो लगेगा, अब रास्ते में कुछ चीज़ें बनेंगी तो रोडों पर। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के बाहर लूटपाट के इरादे से घूम रहे 34 आपराधिक मामले में शामिल कुख्यात बदमाश को पतपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया से थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक चाकू बरामद हुआ है। पूर्वी दिल्ली जिला की DCP अमृता गुगलोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नाजिम के तौर पर हुई। नाजिम ने पूछताछ में बताया कि उसके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थाने में दर्ज हैं। वह लूटपाट के इरादे से आनंद विहार बस अड्डे के पास घूम रहा था। आरोपी पेशे से मजदूर था लेकिन उसे नशे की लत लग गई थी। नशे की लत की वजह से उसका उठना बैठना आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ हो गया और वह आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगा। पूर्वी दिल्ली के श्री भगत सिंह पार्क वेस्ट आजाद नगर में जहां जहां अंधेरा है, डार्क स्पॉट है, वहां पर LED लाइट पोल समेत लगाने की शुरुआत शुक्रवार 1 दिसंबर यानी आज से की गई है।
वेस्ट आजाद नगर रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंदर सिंह छाछी ने श्री भगत सिंह पार्क में डार्क स्पॉट होने की वजह से दो पोल एलईडी लाइट लगवाने के लिए बोला था। इन एलईडी पोल की लाइट का उद्घाटन आज वेस्ट आजाद नगर आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष रविंदर सिंह छाछी और उनकी पूरी टीम के द्वारा किया गया। अनिल वाजपेयी विधायक का कहना है कि गांधीनगर विधानसभा के अंदर अभी तक 30 ऐसे पॉइंट जहां पर अंधेरे से अपराध होने की घटना हो सकती है, मैंने वहां पर कार्यवाही करते हुए लाइटों का इंतजाम किया है। आपको बता दें कि ये पूरा विधायक फंड के करीब 20 लाख के आसपास खर्चे में होगा। विधायक जी का कहना है कि जब तक 30 पॉइंट तैयार हो रहे हैं, इस समय काल में और ऐसे गांधीनगर विधानसभा के अंदर डार्क पॉइंट खोजे जा रहे हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि हम इस अंधेरे से बहुत परेशान थे, क्योंकि आए दिन नशा करने वाले व्यक्ति और अपराध करने वाले व्यक्ति पार्क में छुपकर बैठा करते थे, जिससे हमें पार्क में जाने से भी डर लगता था। इसका समाधान करने के लिए विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। देखिए, हमारे 12 पार्क आते हैं एमसीडी के, उन 12 पार्कों में जहाँ डार्क स्पॉट है, जहाँ कम है वहाँ एक लगा रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा जरूरत है वहाँ दो लगा रहे हैं। उसके बाद कई एरिए ऐसे हैं जहाँ पर डार्क स्पॉट है, तो वहाँ पर हम उसको लाइटें लगवा रहे हैं। अभी फ़िलहाल 30 लाइटों से शुरुआत की है और उसके बाद जब होगा तो इतनी लाइटें हम और लगवा देंगे एमएलए फंड से। हमारे क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, चाहे सीवरेज की हो, पानी की हो, बिजली की हो या गार्डनिंग की हो, वो उसको समाधान करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। लाइट की कमी होने से बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर असामाजिक तत्व होते हैं, वो लेडीज़ फिर आने में हिचकिचाती हैं कि कैसे आए हम यहाँ पर, वो नहीं आ पाती। इस दिल्ली प्रीमियर लीग में दोपहर का मैच ओखला टाइगर्स और जंगपुर अलायंस के बीच खेला गया, जहां ओखला टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 104 रन का लक्ष्य रखा। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए जंगपुर अलायंस शुरू से ही टारगेट को आसानी से चेंज करती हुई नजर आई। हालांकि लास्ट के ओवर में मैच फंसता हुआ नजर आया, आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे। जंगपुरा लायंस के लिए ओपनिंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज ने लास्ट बॉल पर छक्का मारकर टीम को जीत दिलाई। ओखला टाइगर्स की लगातार यह दूसरी हार है। आज का मैच बहुत ही हमारे लिए क्रूशल मैच था और आपने देखा ही है, जैसे T20 मैच होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही मैच हुआ है। बट मैंने बॉल अच्छा डाला, पर हम जो मैच जीते हैं वो बैटिंग की वजह से जीते हैं। जो प्रताप हमारी टीम का ओपनर है, भाई जैसा दोस्त है, उसको मैंने डेडिकेट करा अपना अवार्ड। आपने कितनी विकेट लिया आज? मैंने 3 विकेट लिए हैं। कैसा मैच रहा, कैसी बैटिंग रही आज? आज थोड़ी विकेट टफ थी, पर हमें ये था कि अगर बॉल टू बॉल खेलेंगे, आउट नहीं होंगे, लास्ट तक मैच लेके जाएंगे, तो करना था। आज ये डू और डाई मैच था हमारे लिए, अगर आज हार जाते तो फिर हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाते, इसलिए थोड़ा क्रूशल मैच था हमारे लिए। ओपनिंग से आने के बाद लास्ट में छक्का मार के जिताना, वो कैसी फीलिंग है? वो अच्छी फील थी कि एक टीम को अपने एक तरफा जिताना, कि खड़े रहना लास्ट तक मैच के लिए, तो आगे भी करेंगे टीम के लिए। नहीं, एक ही जैसे भाई जैसे सारे, कोई नहीं है, एक ही बात है सारे के लिए, कोई भी जीते बस हमें मैच से मतलब है, मैन ऑफ द मैच से नहीं है, बस हम टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं। इस बार भी, पिछली बार भी सेमीफाइनल में आके आ रहे थे हम। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।